हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप मोबाइल फोन के जरिए से किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल लोगो अपने मोबाइल फोन के मदद से तैयार कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। 3 बेस्ट एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, आप किस कोई भी इंस्टॉल कर लें। अभी मैं स्क्रीन पर आपको लेकर चलूंगा और आपको वहाँ से सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक बेहतरीन लोगो तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे पिक्सल लैब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से लोगो बना सकते हैं। अगर आपको थंबनेल भी बनाने हैं तो आप पिक्सल लैब या पिक्स आर्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा एक कैनवा ऐप है। ये तीनों बेस्ट एप्लीकेशन है मोबाइल फोन के लिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना लोगो तैयार कर सकते हैं, अपना थंबनेल वगैरह भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर और वहाँ आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से प्रोफेशनल लोगो तैयार कर सकते हैं मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए जिसका नाम है पिक्सल लैब। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्सल लैब, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, पिक्स आर्ट भी मैंने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन आप पिक्स आर्ट ओपन करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास। सबसे पहले यहाँ आपने आना है और क्या करना है, इमेज साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्वायर साइज़ ले लेना है। ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल शेप के ऊपर आना है। आपको यहाँ शेप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने शेप के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ये गोल कलर की जो शेप है इसको ले लेना है। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद आपके जो चैनल का नाम है, फ़र्ज़ करें मेरे चैनल का नाम है वकार अहमद, मैं एक अपने दूसरे चैनल के लिए बना रहा हूँ ये लोगो। ठीक है, जिसका नाम है वकार अहमद। अब ये आपको मैं सिर्फ एक ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, ये अपने टेक्स्ट के ऊपर आना है और आपने उसका मैंने क्या लिखा, पहला टेक्स्ट लिखा W लिखा सबसे पहले मैंने। ठीक है, आपने अपने चैनल का बड़े ध्यान से बनाना है, ये आपको एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ किया। यहाँ कलर पर आए तो कलर पर आप कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ये जो है मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा आपने ऊपर क्या आना है, इसको टेक्स्ट के ऊपर आना है और नेक्स्ट टेक्स्ट मैं लिखता हूँ A। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये आप क्या कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं तरतीब अपने लिहाज से और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने स्ट्रोक को ओपन किया ताकि अच्छा लगे, स्ट्रोक का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा टेक्स्ट पर मैं आया। ठीक है, न्यू टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से देखें अब आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखें और मैंने अपना दूसरा नाम जो है वो लिखा A। ठीक है, अब देखें इनको आपस में मैंने क्या किया, साथ में ज्वाइन कर देना है। आपने बड़े ध्यान के साथ बनाना है, मैं ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो जैसा भी बन जाए लेकिन आपने जो है वो अच्छे तरीके से बनाना है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कलर मैंने इसको रेड कर दिया, उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट के ऊपर आके फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट है, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें। फिर स्ट्रोक इसको दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसको साथ जोड़ दिया। अब यहाँ आप आगे शेप के ऊपर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लें पहले थोड़ा सा, उसके बाद इसका साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने लिहाज से, ये इसको थोड़ा बड़ा छोटा जितना भी आप रखना चाहते हैं कर लें। उसके बाद आपने इसको एक प्रोफेशनल लगे ताकि आप क्या करें, शेप के ऊपर दोबारा आएँ। ठीक है, शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखें अब शेप यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली। ठीक है, अब इसको कलर भी आप दे सकते हैं और यहाँ एक कट सा लगा देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ कट लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका लोगो जो है ना वो प्यारा लगेगा। इससे मैंने ब्लैक कलर दे दिया और इसको W और A के दरमियान में एक कट डाल दिया। ठीक है, तो इससे जो है ये आपका एक लोगो जो है वो प्रोफेशनल लगेगा, प्यारा सा लगेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने और अब पूरा नाम अपने चैनल का लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैं अपने दूसरे चैनल के लिए बना रहा हूँ, या फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ी नाम है वकार अहमद चैनल का। तो अब मैंने इसको नीचे रखा, उसको साइज़ जो है WA से थोड़ा छोटा रखना है और कलर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे दें। यहाँ मैंने दे दिया ब्लैक और उसके बाद फ़ॉन्ट के ऊपर आना है। ठीक है, फ़ॉन्ट के ऊपर आकर आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है कोई सा भी, उसके बाद से स्ट्रोक दे देना है, स्ट्रोक का कलर कोई भी आप रख सकते हैं, मैं यहाँ वाइट रख रहा हूँ और स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब आप देखें ये आपके पास एक लोगो जो है आपको अच्छा लग रहा है, अरेंज आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद अब आपने इसको लोगो बनाने के लिए आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये आगे ट्रांसपेरेंट लिखा, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये आपका लोगो तैयार है। अब आपको गैलरी में पहले ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, शेयर का बटन, यहाँ से आपने क्या करना है सेव। अब गैलरी में आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा। ठीक है,
तो ये गैलरी आपने ओपन की है, देखें ये आपका सेव हो गया गैलरी के अंदर आपका जो लोगो था। तो ये देखें आपका कितना प्यारा लोगो लग रहा है। अभी ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया, आप अपने लिहाज से अच्छे तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इसका आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन यूज़ करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।